अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में इस सप्ताह में विशेष धार्मिक गतिविधियों का आयोजन तो हो ही रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार इस सप्ताह में धार्मिक, सामाजिक एवं शासकीय संस्थाओं में सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में नगर में गुरुवार को भाजपा नगर मंडल द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। गुरुवार को भाजपा महामंत्री महिम ठाकुर, नगर मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह तोमर, नपा उपाध्यक्ष राजेश जायसवाल सहित जनप्रतिनिधि एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क से लेकर मंदिरों तक सफाई अभियान चलाया। वहीं बूथों पर दीवार लेखन के जरिए दीवार पर तरह तरह के नारे लिखे जा रहे हैं और भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल एवं एक बार फिर मोदी सरकार को चिन्हित किया गया। सुबह 9 बजे नागेश्वर मंदिर परिसर में भाजपा नगर मंडल द्वारा स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान मंदिर परिसर पर साफ सफाई कर कचरे को ट्रैक्टर ट्रॉली में एकत्रित किया गया। इस दौरान भाजपा नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने जैन मंदिर सहित विभिन्न जगह पर साफ सफाई करके स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान भाजपा जिला मंत्री दीपक ठाकुर, भाजपा नगर मंडल महामंत्री रवि एरन, गणेश चौधरी, महेश वर्मा, बंटी लोड़, महेंद्र अमई, संजय मोथा, राजेश जायसवाल, संजय जैन आदि संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मध्य प्रदेश बड़वाह से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। एक अभियान चलेगा जिसमें रजिस्ट्रेशन होंगे और बड़वाह शहर से कम 200 से 250 राम भक्त अयोध्या जा सकेंगे। उसका एक नॉमिनल शुल्क रहेगा। उस शुल्क में उनकी सारी संपूर्ण व्यवस्था अयोध्या जाने से लेकर वापस आने तक की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे और सभी रामलला के इस भव्य स्थापना का, जो मंदिर का निर्माण है उसकी स्थापना का दृश्य देख पाएंगे। इसी आह्वान के साथ में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल आप सभी से ये अपील करती है कि 22 से 25 तक अपना सब रजिस्ट्रेशन करवा लें।